गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत कम कम लोग आ रखे हैं आज, ओनली 19। कुछ देर वेट किया जाए, फिर कुछ देर वेट कर लिया जाए, बाकी बच्चे आएंगे शायद। और आज का वेदर भी शायद थोड़ा अच्छा नहीं है। अच्छा, सीता आप आ गई आज? अरे वाह, बहुत जल्दी आ गई आज तो आप। गुड। ओ, आज का वेदर भी अच्छा नहीं है ना? कितनों के यहाँ तो नेटवर्क नहीं होगा, कितने लोग के यहाँ तो लाइट नहीं होगा, और कितनों के यहाँ लाइट भी होगा, नेटवर्क भी होगा, मगर बच्चे कह रहे होंगे सर लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, वेदर इतना अच्छा है तो क्या कहें। बाय द वे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके यहाँ? अरे मैं बारामती में हूँ भाई, मेरे यहाँ किधर? मैं कौन सा बांग्लादेश से आया हूँ? मेरे यहाँ, आपके यहाँ भी बारिश है क्या सर? यस सर, इधर भी बारिश है सर, समझे सर। चलिए सर, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं सर। हम लोग कॉमन नोमेनक्लेचर खत्म कर चुके थे। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा बचा है, इथर बचा है, इपॉक्सी पड़ा है। अच्छा, आप यहाँ से 372 किलोमीटर, लोकेशन जगह बताओ, नाम बताओ जगह का, कौन सा जगह पे रहते हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, आसपास कुछ घूमने वाला चीज है, कोई टूरिस्ट प्लेस है तो बताओ। खाने पीने के लिए होटल है उधर क्या? मतलब होटल नहीं, अच्छा बीच है। अरे बारामती के बगल में बीच, ये किधर से आ गया? हाँ, तुम घूम रहे हो। हाँ, इधर बच्चे भी घूम रहे, देखो मैं इनको इथर पढ़ा रहा हूँ। ये सभी स्वीडन में ही सभी का इन्वेंशन हुआ था, साइंटिस्ट लोग कहाँ कहाँ से लेकर के आए थे। देखो मैं इसको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सब घुमा दिया बच्चों को, देखो मैं भी तो घुमा ही रहा हूँ। देखो ये सभी चीजें हमने अलग अलग जगहों पे, ये सारा इन्वेंट हुआ था और सभी को तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। देखो ये इंडिया का है, ये सभी क्या है, फॉरेन का है, सब जगह घुमा रहा हूँ। देखो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, कोंकण रीजन में, पास मुंबई के पास रहता है। अच्छा, मुंबई के आसपास कोंकण। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर रहते हो तुम, इधर इतना दूर आ गए तुम, बताओ। खैर कोई बात नहीं, कितने लोग हो गए? 24, 24 हो गए। 2 मिनट और वेट कर लो, 10 तक कर लेते हैं। 10 तक भी नहीं आएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलो, ज्यादा है भी नहीं हमारे पढ़ने के लिए, आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा ये सब। चलिए कोई बात नहीं, तो आप कोंकण में रहते हैं, सही है। तो बताओ फिर, एकेडमी कब खुल रही है? तुम लोगों को तो पता होगा। अरे पॉलिटिक्स स्टार्ट तो तुम ही लोगों से होती है, बताओ। अरे हमें कैसे पता होगा, हमें तो मतलब मैसेज जो आता है आज लाइट नहीं आएगी, वो भी समझ में नहीं आता है। जब लाइट चले जाती है तब मैं फोन करता हूँ कि अरे लाइट चलेगी, आज आने वाली नहीं है क्या? तो बताते, अरे मैसेज तो सर आया होगा ना कि आज 2 बजे के बाद लाइट नहीं आएगी। कर लो भाई, अब सभी कुछ मराठी में आते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि ऐसे कोई मोबाइल कंपनी वाले मैसेज कर रखे होंगे, मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए 5:09 हो गए, बस 5:10 में चालू कर देंगे, जितने लोग आ सके आ गए। बारिश तेज हो रही है, लाइट जा भी सकती है, और अगर बीच में लाइट चले जाए तो घबराना नहीं है। चलो क्लास चालू करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ इथर, देखो इथर आपने पढ़ रखा था, कॉमन नोमेनक्लेचर खत्म हो गया आपका,
कॉमन नोमेनक्लेचर में जितना कुछ था बताने के लिए बता दिया है। अभी चलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ इथर पे, इथर के नोमेनक्लेचर पे चलिए। इथर आपको हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, जब हमने आपको सब्स्टिट्यूशन लिखवाया था तो उसमें लास्ट में देखो इथर एंड इपॉक्सी लिखवाया है, ROR लिखवाया होगा और एक इस टाइप का लिखवाया गया होगा, तो इसको इथर बोलते हैं और इसको इपॉक्सी बोलते हैं, है ना। तो इथर एंड इपॉक्सी का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। चलिए तो क्या कहता है इथर का नोमेनक्लेचर, इथर का नोमेनक्लेचर क्या है, इथर के नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन का मतलब है कि इथर जो है हमारे पास ओ, इसके लिए हम लोग ऑक्सी यूज किया और इसके दो चेन है, तो दो में से कोई एक चेन क्या हो सकता है, प्रिंसिपल चेन हो सकता है। दोनों चेन तो एक साथ प्रिंसिपल चेन नहीं हो सकते ना, क्योंकि हेट्रो एटम है, तो या तो ये पोर्शन प्रिंसिपल चेन हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो एक जो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा वो तो चलो उसको तब रिमूव कर देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्कोक्सी, ऑक्सी ऑप्शन के लिए, और जो अल्काइल चेन यहाँ पर अटैच होगा उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, अल का यूज कर लेंगे, मतलब वर्ड रूट एंड ऑक्सी। अब देखे यहाँ पर अगर मुझे इसका नेम लिखना है कि बताइए कि इसमें प्रिंसिपल चेन कौन सा है, तो हम पहले ढूंढे प्रिंसिपल चेन के लिए सारे रूल लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन दो है इधर, इधर एक है, तो क्या हो गया ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। तब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। कहाँ पे अटैच है, इस कार्बन से, तो वन एंड टू। तो नेम लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे, वन कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या आ जाएगा मिथॉक्सी, वन मिथॉक्सी इथेन आ जाएगा, वन मिथॉक्सी इथेन आ जाएगा, क्लियर है, वन मिथॉक्सी इथेन आ जाएगा, बताओ क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर टू बताओ क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर टू का बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू में पहले ये बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, बताइए प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा, राइट विल बी द प्रिंसिपल चेन, लेफ्ट विल बी द प्रिंसिपल चेन, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ओके करेक्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन के लिए क्या देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नो फंक्शनल ग्रुप, इथर इज सब्स्टिट्यूशन। तो फिर क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दिस चेन कंटेन वन मल्टीपल बॉन्ड एंड ई डू नॉट हैव एनी मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल चेन हो गया, प्रिंसिपल चेन ये हो गया। नंबरिंग कहाँ से करें, यहां से करेंगे तो भी वन, यहां से करेंगे तो भी वन, तो इधर से सब्स्टिट्यूशन आ रहा है डबल बॉन्ड को दोनों साइड से वन आएगा, और इधर से सब्स्टिट्यूशन को भी वन आएगा, तो वन एंड टू। अब इसका नेम लिखिए, तो ये पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग, अल्कोक्सी लिखना है ना, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो क्या लिख लें हम लोग यहाँ पर, वन प्रोपॉक्सी, वन प्रोपॉक्सी, फिर क्या आ जाएगा इथीन, वन प्रोपॉक्सी इथीन, क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है, क्लियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए जल्दी से आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड कीजिए, आंसर बताइए, मैं बाकी सवाल देखूं, कुछ दो चार सवाल और करा दिया जाए, काफी है इतना ना, चलो एक और सवाल करा देंगे हम।
चलो आंसर करो। आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। यो, ये फिर से अटक गया। यस, तनिष्क का आंसर आया है। बाकी लोग आंसर करो, इतने स्लो हो तुम लोग, बताओ। अब तो 1 महीने पढ़ लिए तुम लोग ऑर्गेनिक, अब तो तुम्हें फास्ट होना चाहिए। इथॉक्सी ऑक्सो, मैं वही बोलता हूं। एट फर्स्ट फाइंड द फंक्शनल ग्रुप, फिर देखो प्रिंसिपल चेन, फिर नंबरिंग, फिर सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है ना, फिर नेम लिखना चालू कीजिए। पहला काम तो फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल चेन ढूंढो, नंबरिंग डिसाइड करो, उसके बाद कौन कौन सब्स्टिट्यूशन है ये देखना पड़ेगा। 3 लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग आंसर करेंगे या सर खुद ही सॉल्व कर दे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सर खुद ही सॉल्व कर देंगे। सर सेम है इसलिए टाइप नहीं किया रे। ठीक, फर्स्ट करेक्ट आंसर इथॉक्सी वन, इथॉक्सी नो, दिक्कत है। वन इथॉक्सी इज अ प्रॉब्लम। चलिए, अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया है, तो ऋषिकेश सही है, इसका मतलब तुमने भी गलत कर रखा है। चलो कोई बात नहीं है, सबसे पहला चीज मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। कीटोन है, इथर है, इथर तो दुनिया जानती है, सब्स्टिट्यूशन है, इसको तो काउंट ही नहीं करते हम फंक्शनल ग्रुप में। मेन फंक्शनल ग्रुप में तो इसको काउंट ही नहीं किया जाता, तो इसको तो पहले हटा देते हैं, चलो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं इस वाले के, दिस इज कीटोन। कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो सफिक्स क्या होता है कीटोन के लिए? ओन सफिक्स यूज होता है। एंड प्रेफिक्स क्या होता है इसके लिए? प्रेफिक्स होता है ऑक्सो। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या यूज होगा? ओन यूज होगा, सफिक्स यूज होगा, प्रेफिक्स यूज नहीं होगा। इफ इट इज मेन फंक्शनल ग्रुप देन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच विल गिव लोवेस्ट लोकेंट टू कीटोन। तो 1, 2, 3, 4, तो क्या आ गया? लोवेस्ट लोकेंट इसके पास आ गया। पार्थ एकदम गलत है बाबा, ऑक्सो कहां से आ जाएगा? तो यहां पर नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा?
अब प्रिंसिपल चेन देखो, ये वाला प्रिंसिपल चेन है, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आ जाएगा, फोर इथॉक्सी, फोर इथॉक्सी, फिर क्या आ गया आपके पास, ब्यूटेन टू ओन या टू ब्यूटेनोन, क्लियर है, फोर इथॉक्सी टू ब्यूटेनोन भी कह सकते हैं, फोर इथॉक्सी ब्यूटेन टू ओन भी कह सकते हैं, क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है सभी को। चलो एक सवाल और ले लो, ठहर जाओ, एक सवाल और ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, चलिए करो तो इसका, निकाल लो इसमें से। इपॉक्सी फिर है, ठीक, जल्दी से कीजिए सॉल्व की, जल्दी से इसको।
तनिष्क टू ब्रोमो फोर ब्यूटॉक्सी, देखो डबल बॉन्ड भी है ना, तो इन का यूज आप कहीं, अच्छा चारे तुम थोड़ा सा गलत कर दिए, ब्यूटॉक्सी इनाइल नहीं होगा ना, ऑक्सी लास्ट में आएगा, नेम उसके बाद में ऑक्सी, जैसे ब्यूटेन था ना, ए एन ही हटा और ऑक्सी लगा था, तो हम लोग जब ब्यूटे अल्केन को अल्केनाइल में कन्वर्ट करते थे, तो ए एन को हटा करके ए एन ई को हटा करके वाई एल ऐड करते थे, उसी तरीके से जब इस वाले को, यस यस ब्यूटी नहीं ब्यूटेनॉक्सी, ब्यूट इन ऑक्सी रहेगा है ना, वाई एल ऐड नहीं करेंगे, अल्काइल नहीं है ना, ऑक्सी लगा दिए तो उसको ऐड नहीं करेंगे, समझ गए? ठीक है मैं लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, ब्यूट इन ऑक्सी होगा, ई एन वाई एल नहीं करेंगे, ई हटा दो, फिर से कॉमन ई हटा दो, वहां पर ई और नहीं रहेगा, ब्यूट इन ऑक्सी नहीं, इन नहीं, ई एन ओ एक्स वाई, तुम्हारा सब करेक्ट है, बस उतना सा गलत था, टू ब्रोमो फोर ब्यूट थ्री इन वन टू थ्री, यस थ्री इन थ्री डैश, थ्री डैश ठीक है, थ्री डैश चलेगा, थ्री भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप अंडरस्टूड है, ब्रैकेट में है तो कॉम्प्लेक्स के लिए, इन ऑक्सी ब्यूट इन, यस करेक्ट, यस करेक्ट है तनिस, ब्यूट इन ऑक्स करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। चलिए बाकी लोग, आंसर तो आ चुका है, तो चलिए मैं आंसर लिखता हूँ, प्रिंसिपल चेन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन दोनों ही कॉमन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कॉमन होने की वजह से कहाँ चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे, एक ज्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल चेन हो गया, वन टू थ्री फोर, अब ये वाला क्या हो गया हमारे लिए, ब्रांच इन, वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, नेम लिखेंगे क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, फोर, फोर के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ गया, एक दो तीन चार, तो क्या आ गया, ब्यूट थ्री इन ऑक्सी, इन ऑक्सी, फिर कितने हो गए, चार कार्बन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ब्यूट वन इन, या सीधा ब्यूटीन लिख दीजिए, वन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्लियर है सभी को, बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, इट क्लियर टू ऑल, किसी को डाउट है प्लीज आस्क, किसी को डाउट है पूछिए, किसी को डाउट है, इट क्लियर टू ऑल, इसी तरह तुम्हारा आजकल आंसर नहीं आ रहा, कल भी तुम आंसर नहीं किए हो, आज भी नहीं कर रही, चलो ठीक है आगे से आंसर कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो बचा हुआ है इपॉक्सी, अब देखो जैसे हम लोग बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट करते थे ना, नॉट फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन, उसी तरीके से इसको भी ट्रीट करेंगे, मगर ये बाइडेंटेट, बाइडेंटेट मतलब डायवेलेंट, बाइडेंटेट कह सकते हैं, डायवेलेंट कह सकते हैं, डायवेलेंट का मतलब दो वैलेंसीज है, तो दोनों लोकेंड को हमें यहाँ असाइन करना पड़ता है, जैसे इसका नेम लिखेंगे हम लोग, तो इधर से करो नंबरिंग, इधर से तो वन टू थ्री फोर पे आएगा पहला, वन टू टू पे आ गया पहला, तो नंबरिंग इधर से करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या यूज प्रिफिक्स करेंगे, इपॉक्सी यूज करेंगे, तो क्या लिखोगे, टू कॉमा थ्री इपॉक्सी, ई कैपिटल लिखो इपॉक्सी, तो टू कॉमा थ्री क्या इंडिकेट कर रहा है, कि एक जो उसका वैलेंसी है टू पे अटैच है, दूसरा जो वैलेंसी है वो थ्री पे अटैच है, इतना ही इंडिकेट कर रहा है, बाकी कितने कार्बन हो गए, सिक्स कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिख देंगे, इज इट क्लियर टू ऑल, बताइए ये क्लियर है, बताओ ये क्लियर है, क्लियर है सभी को, डाइपॉक्सी नहीं लिखेंगे ना, एक ही है ना फंक्शनल ग्रुप, तो ये एक ही है ना, तो डाय कैसे लिखोगे, एक ही के दो अलग अलग वैलेंसीज हैं, इसलिए टू थ्री लिखा ना एक साथ, टू थ्री लिखा ना एक साथ, टू थ्री लिखा है इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक साथ है ना,
समझ ला। इथर देखो, ये भी इथर क्या है, दो अलग अलग चेन जब अटैच हुआ तो इथर हो गया, एक ही चेन में ये, एक ही चेन के अंदर ये दो जगह अटैच हो गए तो क्या हो गया हमको, इपॉक्सी कह रहे हैं, है ना। फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह क्या है, ऑक्सीजन ही है, इथर का ही एक टाइप है, इसको साइक्लिक इथर भी बोलते हैं हम लोग, इसको साइक्लिक इथर भी बोलते हैं हम लोग, है ना। ऑक्सीरेन भी बोलेंगे, थ्री मेंबर रिंग को ऑक्सीरेन बोलते हैं, समझ गए। ये इथर का ही एक टाइप है, साइक्लिक इथर जब आ जा रहा है तो उसी को इपॉक्सी कहा जा रहा है, समझ गए। अरे क्लियर है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर टू का करो, क्वेश्चन नंबर थ्री का करो, क्वेश्चन नंबर फोर। आप क्वेश्चन नंबर टू का पहले आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री फोर बाद में करेंगे, पहले टू का आंसर कीजिए आप, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव सवाल ए दो चार। चलो पहले क्वेश्चन नंबर टू का तुम लोग आंसर करो, यही मैं कहता हूं, पहले नंबरिंग, टू थ्री करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, फाइव क्लोरो टू थ्री इपॉक्सी हेक्सेन, करेक्ट, टू थ्री दो आ रहा है ना इसलिए टू थ्री, सही है, सही है, सभी का सही है, फाइव क्लोरो टू थ्री इपॉक्सी हेक्सेन, एक दो तीन चार पांच छह करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव करके रखिए, मैं आंसर लिखूंगा, चेक कीजिएगा, रिप्लाई नहीं करने उसको, सॉल्व करके रखिए, मैं आंसर लिखूंगा आप चेक करेंगे।
हो गए सभी के। चलो वेयर इज द पेन ब्रो, ओके यहाँ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताओ क्या आएगा नेम, मैं लिखता हूँ, ठहरो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का, मैं लिखता हूँ 1 3 1 2 3। तो 1 3 इपॉक्सी, ई कैपिटल रखना, इपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन रहेगा ठीक है, ई नहीं प्रोपेन ठीक है। इस वाले का नाम लिखेंगे, नंबरिंग बताइए कहां से होगा, यहां से करें 1 2 3, यहां से करें 1 2 3, दोनों में क्या है लोकेंट का नंबरिंग, सब्टिट्यूशन का लोकेंट सेम आ रहा है, इसलिए अल्फाबेटिकल से चलेंगे तो 1 2 3 पहुंच जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 क्लोरो देन 2.3 इपॉक्सी, 2.3 इपॉक्सी, फिर क्या आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन, फिर क्या आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेम क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर, 2 अमीनो, 2 अमीनो, फिर क्या हो जाएगा 5.7 इपॉक्सी, 5 नंबरिंग, देखो ना ये तो सब्स्टिट्यूशन ही है ना, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे पहुंचेंगे, इधर से करेंगे तो 2 पे पहुंचेंगे। इपॉक्सी क्लोरो क्यों, क्लोरो पहले आए, सॉरी इपॉक्सी पहले क्यों आएगा, क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, तो इपॉक्सी क्या है हमारे लिए, इपॉक्सी भी क्या है एक सब्स्टिट्यूशन ही तो है, क्लोरो भी सब्स्टिट्यूशन इपॉक्सी भी सब्स्टिट्यूशन, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो क्लोरो पहले आएगा तो क्लोरो लिखेंगे ना, इपॉक्सी क्यों लिखेंगे। समझ गए, सब सेम रूल है, इपॉक्सी भी एक सब्स्टिट्यूशन ही है, उसी की तरह बिहेव करना है, कोई स्पेशल नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सही बोल रहा है वो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। चलिए तो 4.5 इपॉक्सी, इपॉक्सी के बाद कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नो नेन आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़िए। डन, सभी का डन हो गए, हो गए, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। चलो नेक्स्ट आते हैं बाय साइकिल, वेट नोट कीजिए जल्दी से, फिर बाय साइक्लिक पे चलेंगे, बाय साइक्लिक पे ज्यादा सवाल तो नहीं है, कुछ एक सवाल बाइसाइक्लिक वैसे सिलेबस में नहीं है हमारे, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में क्या होता है बाइसाइक्लिक का, और कुछ बचा नहीं, बाइसाइक्लिक एंड स्पायरो के अलावा और कुछ बचा नहीं, तो 5 मिनट बाइसाइक्लिक, 5 मिनट स्पायरो, ठीक है थोड़ा सा और सवाल कर लेंगे बाइसाइक्लिक पे तो आ जाएगा। इसमें भी क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 सवाल है, 6 सवाल, ठीक। ये सारे सवाल हो गए हैं, ये सारे सवाल, हाँ स्पायरो के इधर 4 सवाल है, ठीक। चलो हो गए सभी के, हो गए यहाँ तक, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे चलिए, बाइसाइक्लिक एंड बाइसाइकिल, बाइसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया,
जहां पर दो रिंग आपस में अटैच हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, बायसाइक्लिक। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर दो रिंग अवेलेबल हैं, तो क्या यूज करेंगे हम लोग उसके लिए, बायसाइक्लिक यूज करेंगे। जैसे साइक्लिक था, बायसाइक्लिक। तो बायसाइक्लिक दो टाइप के हैं। दो टाइप का मतलब क्या हो गया, पहला टाइप वो है जिसमें मोर देन वन कॉमन कार्बन है, मतलब दो कॉमन कार्बन है। तो देखो एक ये और एक ये, दो कॉमन कार्बन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। क्या बना रहा है ये, इन दोनों के बीच में ब्रिज बना रहा है। कैसा है, एक इस टाइप का ब्रिज का क्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, इस वजह से क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, ब्रिज हेड बोल रहे हैं। और इस वाले की बात करें, स्पायरो का मतलब क्या हो गया, जहां पे एक कार्बन दो रिंग के बीच में कॉमन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरो बोलते हैं। बताओ क्लियर है ये बात, बताइए क्लियर है ये बात, बताइए क्लियर है। चलिए सभी को क्लियर है, फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट इसको। नोटेड। चलिए सबसे पहले पे आते हैं ब्रिज हेड कार्बन के लिए। ब्रिज हेड कार्बन के लिए नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तुम देखो नेम कैसे लिखते हैं इसका, है ना। नेम लिखने के बाद हम फिर देखेंगे नंबरिंग कैसे होता है, बाकी सभी कैसे लिखे। पहले देखिए इसका नेम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा नेम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, साइक्लो आपको याद होगा, साइक्लिक के लिए क्या यूज करते थे, साइक्लो यूज करते थे। किस कैटेगरी में आता था, इस पांच बॉक्स में से किस बॉक्स में आता था साइक्लो, बताओ। विच बॉक्स कंटेन साइक्लो, विच बॉक्स कंटेन साइक्लो, प्राइमरी प्रफिक्स। सिमिलरली बायसाइक्लो विल आल्सो कम इन प्राइमरी प्रफिक्स। क्या होगा ये, प्राइमरी प्रफिक्स, मगर इसके लिए क्या यूज करेंगे, बायसाइक्लो। साइक्लिक के लिए क्या यूज किया, साइक्लो, तो बायसाइक्लिक के लिए क्या यूज करेंगे, बाय साइक्लो। क्या यूज कर लेंगे, बाय साइक्लो। मगर साइक्लिक में और कुछ नहीं होता था, मगर बायसाइक्लो क्या कहता है कि भाई हम अकेले नहीं आएंगे, ऐसे तो हम नहीं आएंगे, ऐसे में तो हमारी परिभाषा ही डिफाइन नहीं होगी। कहता अच्छा फिर क्या चाहिए, इन्होंने कहा मुझे एक बॉक्स दो, ठीक है ले लो, और उस बॉक्स में नंबर डालने हैं। नंबर किसके, कार्बन के, कौन से कार्बन के। ये कहता कि मान लो कि ये मैं ए हूं और ये मेरा दोस्त बी है, तो ए से बी तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं, उस रास्ते में जितने भी कार्बन आएंगे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें लिखना है। कहा ठीक है चलो भाई, तो हम यहां से चले 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, चार कार्बन आए। यहां से चला 1 2 3 4, और यहां से यहां चला तो 0 कार्बन आए। तो इस रूट में 4 कार्बन, इस रूट में 4 कार्बन, इस रूट में 0, बोला इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बोला ठीक है लो, 4 दोनों कॉमन है, बराबर है, तो चलो ठीक है, एक साथ बराबर है तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ गया लास्ट में, 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, बाय साइक्लो हो गया हमारा। अब कहता है कि अब जितने भी कार्बन है ना उसके लिए एक वर्ड रूट आप यूज कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला कितने कार्बन है टोटल देखा जाए, तो ये 6 कार्बन हो गए, 7 8 9 10 कार्बन हो गए। तो बोला ठीक है ले लीजिए, फिर क्या यूज कर लेंगे हम लोग, डे 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 का यूज करेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन यूज कर लेंगे। तो वर्ड रूट में डे का यूज हो गया, लास्ट में क्या एन यूज हो जाएगा, बाकी और कुछ तो है ही नहीं, और कुछ तो अभी इसमें है नहीं, तो क्या नेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बाय साइक्लो ब्रैकेट 4 4 0, फिर आ जाएगा डेकेन। बताओ ये क्लियर है सभी को, अच्छा इसके बीच में कोमा भी लिख लेना। हाँ ये क्लियर है सभी को, बताइए क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये ब्रैकेट याद होना चाहिए कि ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, बस ब्रैकेट के अंदर जो लिखना है वो ध्यान में रहेगा, तो कभी गलत नहीं होगा इसका। वैसे सवाल तो इसके आएंगे नहीं, बट स्टिल पढ़ लो, क्या दिक्कत है। अरे क्लियर है सभी को, बस एक लड़का रिप्लाई कर रहा है, बाकी लोग क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। यस ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ गया, बाय साइक्लो, और ये अपना, ये जो अपना बास्केट है इसको भी लेकर के आया है। एक सेकेंड,
यस यस हाँ, तो बाय साइकिलो आ गए, साथ में क्या होगा अपना ये बास्केट भी लेकर के आएगा, इसमें क्या रखने, नंबर ऑफ कार्बन रखने, तो कौन से कार्बन रखने, तो वन यहाँ ए हो गया ये, और बी पे चलना है, ए से बी में 1 2 3 4, इधर 4 है, 1 2 3 इधर कितने 3 है, और यहां से हमें कितने 0 है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 4, 3, 0, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6, 7, 8, 9, 9 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर नोना हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लिख ले एन लिख ले, कोई सफिक्स यूज किया है क्या हमने, नहीं यूज किया, तो क्या हो जाएगा उसके लिए कुछ भी नहीं आ जाएगा, तो नेम क्या आ जाएगा बाय साइक्लो देन 4, 3, 0 देन नो नेम, बताइए सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, बताइए सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, ओके गुड, नोट कीजिए जल्दी से इसको, नोट कर लिया तो रिप्लाई कीजिए, नोट कर लिया तो रिप्लाई कीजिए, और इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, इस वाले का आंसर लिखेंगे आप लोग, चलो 1 मिनट, प्रीवियस स्लाइड, अरे प्रीवियस स्लाइड में क्या था तनिष्क, ये वाला, हो गया, चलो जादू करने गए थे तुम वहां, तो क्या जादू हो गया, चलिए इसका नाम लिख के बताएंगे आप लोग, डन, चलो आंसर करो, इसका आंसर करो, आंसर करो, नंबरिंग वाला पोर्शन करा दूं क्या अभी, बायसाइक्लो करेक्ट, 2, 1, 2 ठीक है, ठीक है, 1, 2 2, 1, 1 करेक्ट, 2, 1, 1 करेक्ट, एंड 5 एंड 6 हेक्सेन करेक्ट है, करेक्ट है, पेंटेन नहीं है, हेक्सेन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, हेक्सेन है, बायसाइक्लो 2, 1, 1 हेक्सेन, बायसाइक्लो 2, 1, 1 हेक्सेन, सभी लोगों का क्लियर है ये बताइए, सभी लोगों का क्लियर है ये, सभी लोगों का क्लियर है ये, चलिए आगे, टोटल 5 है साइक्लो में, अयो साइक्लो में नहीं, मैंने क्या बोला, टोटल कार्बन बेटा, टोटल कार्बन को काउंट करना है, ये ऋषिकेश एंड पार्थ, तुम दोनों ने तो मेरे मतलब जान निकाल रखी है हमारी, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, ये बताओ तुम दोनों जब ऑफलाइन आओगे ना तो अलग से पार्टी देना मुझे,
पूरे बैच ने मिलके जितने डाउट नहीं पूछे होंगे जितना तुम दोनों ने मिलके पूछ लिए। अरे अभी क्लियर है ये बताइए, क्लियर है ना? ऋषिकेश एंड पार्थ, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नंबरिंग कैसे करें? अगर हमें नंबरिंग करना है इस चेन में तो कैसे करें? तो देखो क्या कहता है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज एट कार्बन। तो कौन है ब्रिज एट कार्बन? ये दोनों ब्रिज एट कार्बन। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रिज एट कार्बन टुवर्ड्स द लार्जर रिंग। तो बोलता चाहे यहां से चालू करो चाहे नंबरिंग, नंबरिंग क्या बोला? ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, चाहे यहां से कीजिए चाहे यहां से कीजिए। तो चलो मैं कहूं कि आप इधर से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, तो मैं यहां से करता हूं। तो वन, अब बोला इधर चलो या इधर चलो, तो ये कहता है ऑलवेज गो टुवर्ड्स द लार्जर रिंग। तो लार्जर रिंग क्या हो गया? लार्जर रिंग बोलेंगे, लार्जर रिंग बोले या लार्जर रूट बोला जाए, तो ये लार्जर रूट कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। तो लार्जर रूट की तरफ चलिए, तो 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहां पहुंचने के बाद लार्जर से कम लार्जर वाले कौन से हैं? तो ये वाला है 7, 8, 9। अगर और कुछ होता तब फिर वहां पे चलते, यहाँ पे और कुछ है नहीं, यहाँ पे बीच में कार्बन है नहीं। अगर होता तो 9 के बाद वहां पे चलते 10th पे। तो ये हो गए हमारे पास, क्या हो गए? ये नंबरिंग हो गई। बताओ सभी को क्लियर है नंबरिंग? नंबरिंग बताइए क्लियर है सभी को? नंबरिंग क्लियर है सभी को? नंबरिंग क्लियर है? क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में चला नंबरिंग करने के लिए, दिस इज ए और दिस इज बी। ये भी ब्रिज एट कार्बन है, ये भी ब्रिज एट कार्बन है, कहां से चालू करूं? तो कोई कहता है यहां से कर लो, कोई कहता है यहां से कर लो। तो हमने कहा चलो मैं मानता हूं कि मैं यहां से कर लूं, तो यहां से किधर चलूं, लेफ्ट या राइट? तो कहा देखिए भाई 1, 2, 3 कार्बन है और 2 कार्बन है, तो आप ए से कीजिए चाहे बी से कीजिए, चलना तो आपको इसी रिंग में है। हमने कहा ठीक है भाई इस रिंग में चल लेंगे। तो उन्होंने कहा यहां से चलो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अभी देखो अभी क्या करना है हमें, पीछे वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं था, बट इस वाले में दिक्कत हो जाएगी अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हो गए और ये सीधा 8 आ जाएगा। तो ये कहता देखो एक तो ये नंबरिंग हो सकता है। दूसरा कोई बोला कि ये देखो सर ये बात तो आपने सही कहा कि इसमें पहले नंबरिंग करना है, मगर इसको भी तो हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोगन प्रोवाइड करना है। हमने कहा बिल्कुल सही। तो पहला लार्जर रिंग के बाद जितने सारे रूल्स हमने प्रिंसिपल चेन के लिए पढ़े थे ना, वो अप्लीकेबल होंगे, वो सारे के सारे लगाने हैं। मतलब हमें ये पता है कि चलना तो लार्जर में ही है, इसके बाद अगर प्रिंसिपल चेन के लिए या नंबरिंग के लिए जो रूल हमने पढ़ा था वो अप्लीकेबल है तो उसको भी लगाना है। तो हमने कहा सही बात, अगर ऐसा है तो हम यहां से नंबरिंग करके देखते हैं कि यहां से करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आ रहा है? 6 पे आ रहा है, और ये 7 हो गए और ये 8 हो गए। तो अब बोलो किसकी नंबरिंग मानोगे, रेड वाला मानोगे या येलो वाला मानोगे, रेड मानोगे या येलो मानोगे? बताओ। रेड मानेंगे हम, क्योंकि रेड में बाकी रूल्स अप्लीकेबल हो रहे हैं। कुछ नहीं था तब तो किधर से भी लगा लेते, पर कुछ आ गया तब तो अब स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, रेड नंबरिंग को कंसिडर करेंगे। अब जब नेम लिखेंगे तब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 6-मिथाइल आ गया है। चलो बाबा 6-मिथाइल लिख लो। प्राइमरी प्रीफिक्स भी है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है हमारे पास, बाय साइक्लो है, ब्रैकेट है, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, तो 3, 2, 1, ब्रैकेट बंद है। देन वर्ड रूट है, कितने का वर्ड रूट है, देखो यहाँ पर 8 का है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा लिखेंगे। फिर कौन सा है सेकेंड प्राइमरी सफिक्स, कौन सा है हमारा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दिया हमने, एन लिख दिया।
और सेकेंडरी सफिक्स में बताओ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। अब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिक्स मिथाइल देन बाय बाय साइक्लो, फिर क्या आ गया? 3,2,1 देन ऑक्टेन। बताइए क्या ये क्लियर है सभी को या नहीं? किसी को डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर टू, इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ऑल क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछिए। वी हैव 2 मिनट्स। किसी को डाउट है क्या मिथाइल से नंबरिंग होगी? नहीं ना, नहीं ना, मैं क्या बोला? नहीं, हमेशा नंबरिंग ब्रिजेट कार्बन, सॉरी बायसाइक्लिक में, ब्रिज हेड कार्बन में नंबरिंग कहां से होगी? ब्रिज हेड कार्बन से, ब्रिज हेड कार्बन से ही नंबरिंग होगी। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, उसके बाद लार्जर रिंग को ही फॉलो करना है। अगर ये दोनों चीजें हो रही है, उसके बाद अगर कोई रूल्स अप्लीकेबल हो पाता है, तो बिल्कुल लगाना ही लगाना है उसको। अभी समझे? तनिष कभी समझ गए? क्लियर रहेगा? यस, इस पे कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल करेक्ट सवाल तुम पूछे, मगर इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। हमेशा ब्रिजेट कार्बन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, लार्जेस्ट चेन सेकेंड प्रायोरिटी, फिर बाकी सभी चीज लगाना है। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? ये काउंट डाउन की वजह सेंटेंस नहीं दिख रहा है। लो, अब दिख रहा है? चलिए जल्दी कीजिए, क्लास खत्म करेंगे। बचा हुआ कुछ सवाल कल बायसाइकिलों पे कुछ एक सवाल करेंगे। हमारे पास काफी सारे सवाल हैं बायसाइकिलों के, तो कल हम लोग बायसाइकिलों पे कुछ सवाल करेंगे, फिर एस्पायरो पढ़ लेंगे। कल हमारा खत्म हो जाएगा। सैटरडे को आपकी इच्छा, क्लास करने चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर एंजॉय कर लेंगे। क्लियर है सभी को? तो क्लास बंद किया जाए? बताओ क्लास बंद किया जाए? यस, चलो फिर। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नोमेनक्लेचर, टेस्ट का सिलेबस तो कंप्लीट नोमेनक्लेचर है ना? फंक्शनल ग्रुप तक आएगा, फंक्शनल ग्रुप तक पूरा आएगा, फंक्शनल ग्रुप तक रहेगा टेस्ट का सिलेबस। चलो फिर, ओके, बाय बाय।